हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज आपका जो डीसीएम 36 जो आपने अटेम्प्ट किया है उसका वीडियो सॉल्यूशन अभी करवा देते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन मिजेलसन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट द हैवी आइसोटोप N15 वाज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इन्होंने जो N15 है उसको किस फॉर्म में यूज में लिया था बेटा? अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में काम में लिया था। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोंस्ट्रेटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, काफी बार पूछा भी गया है। तो इसने सीधा पूछा है, यूकैरियोटिक गुणसूत्र जो है उसमें अर्ध संरक्षी विधि को किसने प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया था? तो बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट याद रखना है, कौन था? टेलर। ओके, हाउ मेनी बेसेज प्रेजेंट इन 5174 बैक्टीरियोफेज? आप जानते हो बेटा जो 5174 बैक्टीरियोफेज है उसका डीएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एस डीएनए। तो उसके अंदर जो टोटल जो बेस हैं वो कितने हैं? 5386। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। ओके, कंसीडर ए डीएनए स्ट्रैंड गिवन बिलो। ये डीएनए स्ट्रैंड आपको दे रखी है, इसका सीक्वेंस दे रखा है। प्रिपेयर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एंड अरेंज इन 5' to 3' डायरेक्शन। इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आपको बनाना है जिसमें आपका पूरकता का सिद्धांत लग जाएगा और उसको 5' to 3' डायरेक्शन में आपको मेंशन करना है। तो सिंपल सी बात है, यहां देखो कर लोगे, सिंपल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा हूं बेटा मैं, जी सी ए टी जी सी ए टी जी सी ए टी। अब डायरेक्शन क्या है बेटा? ये 5', उधर क्या है? 3'। अब 5' से 3' इसको अरेंज कर दो आप, तो इधर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा इसका। देखो जी सी ए, तो सिंपल है जी सी ए, जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया बेटा, ये करने पड़ेंगे आपको, अच्छे वाले क्वेश्चन है। तो आपका जो असीम केंद्र की है उसमें अनुलेखन के लिए सही कथन को चुनिए। पहला बोल रहा है आपको करेक्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फर्स्ट क्या है? रो प्रोटीन इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। बेटा गलत हो गया, ये रो प्रोटीन टर्मिनेशन फैक्टर होता है। एमआरएनए रिक्वायर प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोट में एमआरएनए को एक्टिवेट होने के लिए प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सीधा एमआरएनए बन रहा है, उसके अंदर कोई इंट्रॉन नहीं होंगे। ट्रांसलेशन बिगिन व्हेन एमआरएनए इज फुली स्प्लाइस्ड, ये भी गलत हो गया। प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन जब एमआरएनए पूर्ण रूप से बनता है उससे पहले ही क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है, अनुलेखन कोशिका द्रव्य में होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सीधे स्टेटमेंट पे जाते हैं, कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट, उसके अकॉर्डिंग पूछेगा ये करेक्ट कितने हैं। पहला क्या है? डीएनए प्रीफर ओवर आरएनए फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, डीएनए जो है स्टोरेज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? करेक्ट। आरएनए इज मोर स्टेबल देन डीएनए, बिल्कुल क्या हो गया? ये गलत हो गया, आरएनए मोर स्टेबल नहीं होता। आरएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए, बिल्कुल सही है, डीएनए की तुलना में आरएनए हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ओएच ग्रुप होते हैं। डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन, बिल्कुल करेक्ट है, डीएनए आरएनए से क्या हुआ है? इवॉल्व हुआ है। अब पूछा है कितने करेक्ट है, तो देख लो आपके सामने मार्क कर दिया मैंने 1, 2, 3, इसमें 3 करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी का डायग्राम लिया है और अक्सर आ जाता है, इसलिए इसको भी आप अटेम्प्ट कर लिया होगा। यहां पर बेटा ए कौन है? प्रमोटर है। बी कौन है? यहां पर स्ट्रक्चरल जीन है। और जो सी है वो कौन है? टर्मिनेटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको कंसीडर करते हैं। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म ए डाइन्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर, और वो डायरेक्शन जो होती है वो होती है 3' to 5', करेक्ट स्टेटमेंट है। प्यूरीन न्यूक्लियोसाइड हैव 1-to-1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड, वेरेज पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड हैव 1-9 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बेटा गलत हो गया। प्यूरीन अगर न्यूक्लियोसाइड बनाएगा तो उसमें 1-9 होता है, यहां दिया है 1-1, और पिरिमिडिन में कौन होता है? 1-1, यहां दे दिया 1-9, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया। एडिनिन ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए, बिल्कुल करेक्ट है।
एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन आरएनए डीएनए में दोनों में सामान्य होते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग जाओ डी और देख लेते हैं। राइबोजो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, बिल्कुल सही बात है बेटा। राइबो जो होती है वो मोनोसेक्राइड है और मोनोसेक्राइड का कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, ये बायोमोलिक्यूल का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर ए और जो सी है और डी है ये क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ, ए सी डी करेक्ट और जो बी है वो इनकरेक्ट है, तो आप आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। मैच द कॉलम, डायरेक्ट मैच करो बेटा। एमआरएनए को मैच किससे करोगे, यूटीआर से, यूटीआर होते हैं एमआरएनए में। डीएनए को मैच कर दो पॉलीमर ऑफ डीएनएमपीज, बिल्कुल सही है। टीआरएनए को मैच कर दो किससे, क्लोवर लीफ मॉडल, टीआरएनए का ही होता है क्लोवर लीफ मॉडल। और देखो ये चारगाफ रूल जो है वो किस पे अप्लाई होता है, डीएनए पे, तो डीएनए को अपन इससे भी मैच कर सकते हैं। तो यहां उसके अकॉर्डिंग चले जाओ, जो ए है उसमें आएगा आपका फोर, जो बी है उसमें आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाएंगे, तो देखो बी फर्स्ट सेकंड, और सी में क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। डीएनए रेप्लिकेशन इज, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, सबको मालूम है, और सेमी डिसकंटिन्यूअस। तो देखें सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकंटिन्यूअस, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, अर्ध संरक्षी और अर्ध असतत, पता है ना, लीडिंग स्ट्रेन कंटिन्यूअस, लैगिंग स्ट्रेन डिसकंटिन्यूअस, उसके बिहाफ पे बोलते हैं अर्ध असतत। इफ ए वायरस जीनोम कंटेन, एक वायरस का जीनोम है उसमें एडिनिन है बेटा इतना 22%, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, इसका मतलब पक्का हो गया ये आरएनए, ये तो कंफर्म है कि आरएनए यूरेसिल आ गया। अब सिंगल स्टैंडर्ड है डबल स्टैंडर्ड है पता कर लो, अगर ए और यू बराबर हैं तो डबल स्टैंडर्ड होता, जी और सी बराबर होने चाहिए थे लेकिन इनका अनुपात क्या है, अलग अलग है, तो पक्का क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं एक बार देखते हैं। आरएनए जेनेटिक मटेरियल इन क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज, बिल्कुल सही है, एक्सेप्शन है, क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, आरएनए होता है। डीएनए प्रेजेंट मोर म्यूटेशन कंपेयर टू आरएनए, रिप्रेजेंट मोर म्यूटेशन कंपेयर टू द डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, म्यूटेशन की रेट आरएनए में ज्यादा होती है, ये भी करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ थाइमिन इन डीएनए ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द डीएनए कंपेयर टू द आरएनए, बिल्कुल सही है, थाइमिन जो है यूरेसिल की तुलना में अधिक स्थायी होता है, तो यहां तो सारे स्टेटमेंट क्या है करेक्ट, आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास एक भारी डीएनए युक्त इकोलाई है, हैवी डीएनए युक्त बोले तो जिसमें N15 है, उसको आप सामान्य नाइट्रोजन युक्त माध्यम में 40 मिनट तक क्या करवाओ, संवर्धित करवाओ, तो भारी डीएनए रज्जू हल्के डीएनए रज्जू की कितनी प्रतिशत मात्रा होगी, चार, वो जो मिजेलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बन गया। अगर स्टार्टिंग में डीएनए जो है उसमें बेटा दोनों ही क्या है N15 है, 40 मिनट बाद दो जनरेशन आ जाएंगी, 20 मिनट 20 मिनट, तो पहली जनरेशन की बात करें, पहली जनरेशन में देखो ये क्या है 15 है, तो ये 14 होगी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, फिर अगली जनरेशन में जाओगे दो से चार डीएनए अणु बन जाएंगे, कितने, चार डीएनए अणु, तो ऑब्वियसली इसमें 15 14, उसके बाद फिर 14 14 14 14 15, चार का मिजेलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट लगेगा ना इसमें, क्योंकि हर बार क्या होगा सेमी कंजर्वेटिव हो रहा है, तो इसमें देखो अब 40 मिनट बाद कितने डीएनए मॉलिक्यूल मिले आपको, चार मिले, तो स्ट्रैंड कितनी होगी, आठ होगी, इन आठ स्ट्रैंड में देखो दो स्ट्रैंड तो क्या है हैवी हैं और बाकी सारे क्या हैं लाइट हैं, तो इसने जो पूछा है देख लो, हैवी की बात करूं तो 2/8 कितने प्रतिशत हो जाएंगे, निकाल लोगे बेटा 2 × 8 25% तो क्या हैवी है और 75% क्या है लाइट है, तो देखें इधर 25% हैवी स्ट्रैंड एंड 75% लाइट स्ट्रेंड, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। विच इज नॉट ए ओपेरोन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हिस ओपेरोन होता है बेटा, टैक ओपेरोन तो होता ही नहीं है बेटा, ये तो टैक पॉलीमरेज है, वेल ओपेरोन भी होता है वेलिन के लिए, ट्रिप ओपेरोन ट्रिप्टोफेन के लिए होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड, टैक ओपेरोन कोई भी ओपेरोन नहीं होता। सेलेक्ट लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल यूज्ड ऑन ए न्यूक्लियोसोम, सब जानते हैं बेटा जो न्यूक्लियोसोम है उसमें डीएनए 200 बेस पेयर का होता है,
लेंथ निकाल ली है तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3.4 एंगस्ट्रॉन से, कितना आ जाएगा 680 एंगस्ट्रॉन। तो देख लो 680 एंगस्ट्रॉन कहां पर है, तो ये है 680 एंगस्ट्रॉन। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्टली यूज टू इंजेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इनटू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल, जंतु कोशिका के केंद्रक में आपको सीधा डीएनए को ट्रांसफर करना है। तो वेरी सिंपल बेटा, कौन सा मेथड काम में लेते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। आंसर हो जाएगा सेकंड। ये बेटा वो क्वेश्चंस हैं जो नीट में अक्सर आते रहते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज रिक्वायर्ड टू फैसिलेट द क्लोनिंग ऑफ फॉरेन जीन इनटू ए वेक्टर। वाहक का उपयोग करते हैं अपन जीन क्लोनिंग में। ये पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो वाहक में होनी चाहिए, जो जीन क्लोनिंग के लिए आसान होती है। तो देखो, ओरिसाइट होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर भी होने चाहिए, वर्ण योग्य चिन्ह क्लोनिंग साइट भी होनी चाहिए। तो हो गया ना ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ पीसीआर इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पीसीआर का यूज किया जाता है। अगर आपको म्यूटेशन को डिटेक्ट करना है कैंसर पेशेंट जो सस्पेक्टेड है तो करेंगे। एचआईवी का डिटेक्शन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में करते हैं। डिसऑर्डर को भी अपन क्या कर लेते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सारे हो गए, तो सीधा आंसर करो फोर्थ। एनसीईआरटी का एज इट इज स्टेटमेंट है, वर्ष 1963 में दो एंजाइम इकोलाई से विलगित किए गए थे, जिनमें एक जो है वो तो मिथाइल समूह को जोड़ता है किसके साथ, जीवाणु के बैक्टीरिया के डीएनए के साथ, और दूसरा जो है वो फेज बोले तो जीवाणु भोजी के डीएनए को क्या करता है, काटता है, जिसको अपन ने आरी नाम दिया था। तो क्रमशः क्या होंगे बेटा, इकोलाई और जीवाणु भोजी। तो यहां पर आपका आंसर चला जाएगा कौन सा, इकोलाई एंड बैक्टीरियो फेज। रेस्पेक्टली पूछा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई वर आइसोलेटेड। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, वन ऑफ दीज एड मिथाइल ग्रुप, उनमें से एक जो है मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, किस पे करता है बेटा, इकोलाई के डीएनए पर, इकोलाई आ जाएगा। अदर कट द फेज डीएनए, जीवाणु भोजी के डीएनए को क्या करता है वो काटता है। तो यहां पर ए और बी जो है वो रेस्पेक्टिवली क्या है, तो बेटा ए तो क्या हो जाएगा, ए देखो यहां पर हो जाएगा इकोलाई, और जो बी है वो कौन हो जाएगा आपका, बैक्टीरियो फेज। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट हिंड सेकंड, देखते हैं। इट फंक्शनिंग डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिल्कुल सही है, इसका जो कार्य है वो विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर निर्भर करता है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिल्कुल करेक्ट है। इट रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ सिक्स बेस पेयर, बिल्कुल करेक्ट है। इट प्रोड्यूस स्टिकी एंड, ये गलत हो गया बेटा, ये कैसे एंड प्रोड्यूस करता है, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। कौन से एंड, ब्लंट, क्योंकि ये हमेशा कहाँ काटता है, अपने पहचान अनुक्रम के अंदर, बिल्कुल मध्य में, आमने सामने। तो ये आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में गलत विकल्प को चुनिए, ये केवल असीम केंद्रकी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, केवल प्रोकैरियोट में होते हैं, जीवाणुओं में। ये पहचान अनुक्रम की सहायता द्वारा डीएनए से जुड़ते हैं तथा द्विकुंडली के केवल एक रज्जु को विशिष्ट बिंदु के आधार स्तंभ में काटते हैं। यही गड़बड़ होगी बेटा, आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। क्या लिखा है इसने, कट ओनली वन स्ट्रैंड, आपको पता है दोनों स्ट्रैंड को काटते हैं। अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम, 230 से अधिक जीवाणु प्रभेदों से पृथक किए गए, सही है। यानुवंशिक अभियांत्रिकी में पुनर्योगज डीएनए अणु निर्माण में उपयोगी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम नहीं है। जानते हो आप पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम क्या होते हैं, तो इसमें देखो बेटा जीएटीटीसी, जीएटीटीसी बिल्कुल अनुक्रम है, यह भी पैलेंड्रोमिक है, यह भी पैलेंड्रोमिक है, लेकिन जो फोर्थ है देखो एएजी, तो इसमें सीक्वेंस सेम नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। What is the significance of electric field during the gel electrophoresis? आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रदान करते हैं, ताकि जो डीएनए के जो अणु हैं नेगेटिवली चार्ज हैं वो बलपूर्वक एनोड की तरफ क्या करें, गमन करें। तो आप ऑप्शन पे जाओ,
डीएनए खंडों को एनोड की ओर बलपूर्वक भेजकर पृथक करने में इसका योगदान है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। हमारे पास एक जीवाणु है जो सहज प्लाज्मिड युक्त है, बैक्टीरिया है जिसके पास क्या है बेटा प्लाज्मिड है, मुख्य जीनोम तो होगा ही होगा, इसके अलावा इसके पास खुद का क्या है सहज प्लाज्मिड। अब क्या करना है, कुल डीएनए को विलगित करते हैं तथा जैव संचलन द्वारा पृथक करते हैं, कितनी पट्टियां दृश्य होंगे। अगर आप जीवाणु से इसके अंदर जो टोटल डीएनए उसको विलगित करोगे, आइसोलेट करोगे और इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर उनको रन करवाओगे, तो बताओ बेटा क्या होगा, दो अलग अलग बैंड मिलेंगे आपको, क्योंकि ये डीएनए बड़ा है और ये डीएनए छोटा है, तो आपको दो पट्टियां दिखाई देंगी, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी कहाँ होगी, एनोड के पास, बड़ी कैथोड के पास, क्योंकि ये मेन जीनोम की और ये प्लाज्मिड की। तो ये क्वेश्चन पूछा आपसे, कितनी पट्टियां दृश्य होंगी, दो पट्टियां। रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिफर टू, जो प्रतिबंधन है प्रतिबंधन एंजाइम है, वो उसका क्या मीनिंग है, क्यों प्रदर्शित करते हैं उसको रेस्ट्रिक्शन से। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये जो आरी होते हैं ये जीवाणु के अंदर जीवाणु भोजी की वृद्धि को प्रतिबंधित करते हैं, तो उसके अनुसार आंसर छांटो आप, जीवाणु में जीवाणु भोजी के गुणन को रोकते हैं, आंसर हो जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एंजाइम इज नॉट रिक्वायर्ड टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम द एनिमल सेल से, अगर आपको बेटा डीएनए को विलगित करना है तो आपको पता है डीएनए की आवश्यकता नहीं और ना ही सेलुलेज की, आंसर हो जाएगा थर्ड। और बाकी के आरएनएज हैं, प्रोटीएज हैं, लाइपेज, इनकी आवश्यकता तो होगी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आपको पता है आरी किससे प्राप्त होते हैं बेटा, जीवाणु से प्राप्त होते हैं, तो हीमोफिलस से प्राप्त होगा, इससे भी प्राप्त होगा, इससे प्राप्त होगा एगेरिकस बिस्पोरस। ये जो एगेरिकस बिस्पोरस है ये बेटा कवक है, ये क्या है, ये फंजाई है, और फंजाई के अंदर आरी नहीं होते, आंसर हो जाएगा थर्ड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट वाज जनरेटेड यूजिंग ह्यूमन जीन एंड प्लाज्मिड वाज ट्रांसफर्ड इनटू द बैक्टीरिया, हाउएवर द ट्रांसफॉर्म्ड सेल डिड नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोटीन, रीजन कैन बी, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा ये। आपने क्या किया, मानव जीन जो है यूकैरियोटिक जीन को आपने प्लाज्मिड के साथ ऐड कर दिया और उसको ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई में बैक्टीरिया में, तो वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही, वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पा रही, रीजन साफ है बेटा, क्योंकि मानव की जीन में होते हैं इंट्रोन, तो वहां पर इंट्रोन है तो एचएनआरएनए बनेगा, एचएनआरएनए जो उसकी स्प्लाइसिंग नहीं हो पाएगी आगे, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर स्प्लाइसोसोम्स नहीं होते, तो क्या रीजन हो सकता है बताओ, ह्यूमन जीन कंटेन इंट्रोन विच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट दे रखे हैं, कंसीडर करो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज एन एक्सोन्यूक्लिएज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंडोन्यूक्लिएज होते हैं। आरी प्रोड्यूस स्टिकी एंड, बिल्कुल सही है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। कैरीमुलिस वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक, बिल्कुल करेक्ट है। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी रेज ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी क्या है, करेक्ट है। पूछा क्या है, हाउ मेनी, करेक्ट, तो आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, तो कितने करेक्ट हैं, 3, आंसर आपको हो जाएगा सेकंड, ओनली 3। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, लिम्फोसाइट्स आर साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन बॉडी ऑफ ह्यूमन, बिल्कुल सही बात है। एडीए इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम फॉर फंक्शन, बिल्कुल सही है, एडीए के बिना इम्यून सिस्टम परफेक्टली फंक्शन नहीं कर पाएगा, लिम्फोसाइट वर्क नहीं करेंगे। स्किड में कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर, बिल्कुल सही है, स्किड जो है उसका कारण है डिलीशन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से स्किड हो जाती है। ड्यूरिंग जीन थेरेपी फॉर स्किड फंक्शनल एडीए सीडीएन इज इंट्रोड्यूस इनटू लिम्फोसाइट यूजिंग प्लाज्मिड, ये गलत हो गया बेटा, इसमें क्या यूज में लेते हैं अपन, रेट्रो वायरस, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। प्रोबीटी टॉक्सिन इज, जो प्रोबीटी टॉक्सिन होती है, प्राक बीटी टॉक्सिन होती है, वो इनएक्टिव होती है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये इनएक्टिव टॉक्सिन है, फोर्थ आंसर। प्रथम जीन चिकित्सा किसके उपचार के लिए की गई थी, पेटेंट क्वेश्चन है बेटा, किसके लिए, स्किड के लिए, आंसर हो जाएगा फोर्थ। सेलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखते हैं, चॉइस ऑफ क्राइजिन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट, बिल्कुल करेक्ट है, किस पे डिपेंड होगा कि कौन सी क्राइजिन लेनी है, टारगेटेड पेस्ट पे और कौन सी क्रॉप में इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। द प्रोटीन एनकोडेड बाई जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म, बिल्कुल करेक्ट है।
द एक्टिवेटेड बीटी टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ मिड गट एपिथिलियल सेल एंड क्रिएट पोर दैट कॉज स्वेलिंग एंड लाइसिस द इवेंचुअली कॉज द डेथ ऑफ इंसेक्ट. बिल्कुल एनस्टैटिक स्टेटमेंट है, करेक्ट है. बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड इन ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया. गलत हो जाएगा बेटा, आंसर ये होगा आपका फोर्थ. बीटी टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करते हैं? बेसिलस थुरिंजियंसिस, ना कि सारे बैक्टीरिया. तो बोलेंगे जो यूज ओपीसीआर अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको दो तीन बार रिपीट भी किया है देखो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं. टू एम्पलीफाई द डीएनए टू डिटेक्ट एचआईवी इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, थोड़ा वैरायटी चेंज हो गई. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज. इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट रोजी काऊ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, इससे क्वेश्चन आता है रोजी काऊ से. इट वॉज फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, सही बात है. तो रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एंड रिच मिल्क, बिल्कुल सही है. इसके अंदर अल्फा लैक्टोबिलिन प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस होती है. अल्फा लैक्टोबिलिन कोडिंग जीन वाज इंट्रोड्यूस इन इट, बिल्कुल सही आ गया. देखो सारे स्टेटमेंट कवर हो गए इसके अंदर, आपको टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग करना है ना साथ में. मिल्क ऑफ रोजी काऊ वाज लेस क्वालिटेटिव, गलत हो गया, ये मोर क्वालिटेटिव होता है. तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ. क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग एएमपीआर जीन सेलेक्टेबल मार्कर, ये करेक्ट है बेटा. हिंड थर्ड फर्स्ट डिस्कवर्ड आरी, गलत हो गया, हिंड सेकंड था वो. इक्वायर फर्स्ट ब्लंट एंड प्रोड्यूसिंग, गलत हो गया, इक्वायर फर्स्ट जो है वो स्टिक एंड प्रोड्यूस करता है. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट में फर्स्ट चला जाएगा. यदि विदेशज डीएनए को, फॉरेन डीएनए को अगर आपने किसमें ऐड किया है, पीबीआर 322 में, और कहां पर? पीएसटी1 स्थल. और पीएसटी1 स्थल बेटा कहां होता है? एएमपीआर जीन के अंदर. तब पुनर्योग प्लाज्मिड एम्पिसिलिन प्रतिरोधकता को क्या कर देगा? खो देगा. रूपांतरण विधि संपन्न करने के पश्चात जो अपुनर्योगज हैं, जो बेटा नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं, तो वो किस में ग्रो करेंगे? तो नॉन रिकॉम्बिनेंट तो आपको पता है बेटा, उसमें दोनों जीन क्या है? नॉर्मल रहेंगे. तो नॉन रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों माध्यम में क्या करेंगे? ग्रो करेंगे. तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड. पीएसटी इज ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन इट्स नेम एसटी, याद करो बेटा, नोमेनक्लेचर है आपके, इसलिए पूछ सकता है. तो एसटी जो है वो स्पीसीज से लिया गया है, और स्पीसीज के पहले दो छोटे लेटर, और मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हो उनमें बेटा, रटने का नहीं है ये. स्पीसीज केवल एक ही है यहां पर, कौन है? स्टुअर्टी. कौन है? स्टुअर्टी. तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? स्टुअर्टी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसलेशनल यूनिट. स्टॉप कोडन होता है, स्टार्ट कोडन होता है, प्रमोटर टर्मिनेटर, बेटा ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड. द फिगर बिलो इज द डायग्रामेटिक, ये आपको डायग्राम दिया पीबीआर 322 का. बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि करेक्टली आइडेंटिफाई कौन है. सीधा चलते हैं अपन. ओरी ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता, गलत हो गया. रोप रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, गलत हो गया. हिंड थर्ड इक्वायर फर्स्ट सेलेक्टेबल मार्कर, गलत हो गया. ये क्या है बेटा? आरी है. तो एमपीआर टीटीआर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, बिल्कुल करेक्ट. आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ. विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जीन गन बायोलिस्टिक, करेक्ट है. प्लाज्मिड एक्स्ट्राक्रोमल डीएनए, करेक्ट है. डीएनए लाइगेज बायोलॉजिकल सीजर नहीं होती बेटा, ये गलत हो गया, ग्लू होता है. बैक्टीरियोफेज वायरस, सही बात है. सेकंड, सॉरी थर्ड इसका आंसर हो जाएगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिनेटिक स्टेज, आपने रीड किया है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है. जैसे बायोसिनेटिक स्टेज कंप्लीट हो जाती है बायोरिएक्टर में, उसके बाद में अपन क्या करते हैं? उसको अलग अलग प्रोसेस में लेके जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्ट को सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. आंसर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 43, इसने डायरेक्ट पूछा है बेटा डीएनए की. देखो दो स्ट्रैंड है मेरे पास, डबल स्ट्रैंड डीएनए है. एक स्ट्रैंड में कह रहा है कि ये एटी और जीसी का जो रेशियो है वो 0.3 है. अब पूछ रहा है कि पूरे डीएनए में, इस पूरे डीएनए में, एंटायर डीएनए में एजी और टीसी का रेशियो क्या होगा? तो बेटा एजी क्या है? प्यूरिन, और टीसी क्या है? पिरिमिडिन. और डीएनए में प्यूरिन पिरिमिडिन का रेशियो क्या होता है? 1 होता है. तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा फर्स्ट. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये. टीआरएनए की स्ट्रक्चर बेटा याद करनी पड़ेगी, अच्छा क्वेश्चन है.
ये देखो ए जो है वो है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, जहां पर अमीनो एसिड बाइंड होता है। जो बी है वो देखो स्ट्रक्चर आपने बनाई होगी, जो बी है वो क्या है टी साइसी लूप, डी इसके अपोजिट है ये है डी एच यू लूप, और ये सी जो है वो है एंटी कोडोन लूप। उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देख लो कौन सा होगा, यहां सेकंड सेट हो जाएगा अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट बी टी साइसी, सी एंटी कोडोन, और जो डी है वो क्या है डी एच यू, आंसर इज सेकंड। ओके अच्छा क्वेश्चन है, भी कॉन्सेप्ट चल है बेटा। इसने डायरेक्ट पूछा है कि एक जीन है एनकोडिंग ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ 50 अमीनो एसिड, अगर उसमें 25th कोडोन जो UAA है म्यूटेशन हो गया उसमें, और उस वो कन्वर्ट किसमें हो गया UAU है, कन्वर्ट किसमें हो गया UAA में, बोले तो स्टॉप कोडोन आ गया, और जहां पर स्टॉप कोडोन आ जाएगा वहीं क्या हो जाएगा टर्मिनेशन। तो जो 25वां कोडोन है वो स्टॉप कोडोन हो गया, उससे पहले कितने हैं 24 है, तो जो 24 कोडोन है उसे क्या हो जाएगा बेटा पॉलीपेप्टाइड बनेगी, उसमें 24 अमीनो एसिड आ जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग देखो पॉलीपेप्टाइड जो बनेगी उसमें 24 अमीनो एसिड निर्मित हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ओके इफ ए जीन एनकोडिंग लैक रिप्रेसर इज म्यूटेंट, सीधा पूछ रहा है बेटा लैक रिप्रेसर जो है प्रोटीन है उसको कोड करने वाली जीन कौन होती है ब्लैक आई जीन, उसमें अगर हो गया म्यूटेशन इट कैन नो लॉन्गर बाइंड टू द ऑपरेटर, बिल्कुल सही है ऑपरेटर जो है उसके साथ रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड नहीं होगी। विल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओपेरोन अकर्स, पूछ रहा है क्या ओपेरोन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडिस वगैरह उनका फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियसली नो और यस बिकॉज द लैक रिप्रेसर प्रोटीन नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर, सो ऑपरेटर बिकम फ्री, और फ्री होते क्या होगा आगे आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करने जाएगा, जाते क्या होगा आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज और ट्रांसएस्टराइडेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसने देखो क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ओपेरोन ट्रांसक्रिप्शन और लैक ओपेरोन अकर्स, तो आप बोलोगे यस बिकॉज द ऑपरेटर विल नॉट बाउंड विद द बाय द रिप्रेसर एंड आरएनए पॉलीमरेज कैन ट्रांसक्राइब द लैक ओपेरोन, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन, एनसीईआरटी के कुछ डेटा दे रखे हैं याद करने पड़ेंगे बेटा। हैप्लोइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, बिल्कुल सही है। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल ओएच ग्रुप, बिल्कुल राइबोस शुगर होती है सेकंड प्राइम कार्बन पे ओएच ग्रुप प्रेजेंट होगा। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ एडिनिन, ये गलत हो गया बेटा, आरएनए में यूरेसिल भी होता है और एडिनिन भी होता है। स्टोन आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, बिल्कुल करेक्ट है, तो यहां आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। अरेंज द गिवन आरएनए इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, आपको क्या करना है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे छोटा होता है टीआरएनए, उससे बड़ा आरआरएनए, और सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट है लार्जेस्ट है वो कौन होता है एमआरएनए, आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। इफ ए डीएसडीएनए मॉलिक्यूल हैज 100 टर्न्स, कितनी टर्न है उसमें 100, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिवली, तो 100 टर्न हो गई तो बताओ बेटा एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं 10 बेस पेयर, करेक्ट, तो 100 टर्न है तो इसको मल्टीप्लाई करो किससे 10 से, तो टोटल कितने बेस पेयर हो जाएंगे 1000 बेस पेयर, और 1000 बेस पेयर है तो न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाएंगे बेटा 2000 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर होता है एक फॉस्फेट होता है, तो देख लो बेटा आंसर क्या होगा, शुगर कितनी है 2000 और फॉस्फेट भी कितने होंगे 2000, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्षे चेस विद बैक्टीरियोफेज, एक्सपेरिमेंट आपने पूरा स्टडी कर रखा है। Unequivocal proof that DNA is the genetic material came from it, बिल्कुल सही है, ये confirmatory evidence था। Phase DNA was labeled with P32, बिल्कुल correct है। Protein of phase contain phosphorus, but not sulfur, गलत बात है बेटा, protein में sulfur होता है। When bacteriophage was labeled with sulfur,
नो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट. गलत बात है बेटा, सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होगी क्योंकि प्रोटीन बाहर रह जाएगी, और बाहर रहेगी तो वो सुपरनेटेंट में आपको डिटेक्ट होगी रेडियो एक्टिविटी. तो यहां पर देखो ट्रू जो स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करने हैं, तो बताना ऊपर वाले ए और बी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए एंड बी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू टी एंड विच वन आर फॉल्स. तो आपको पहले स्टेटमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग अपन मेंशन कर देते हैं, उसके आगे बता देंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्यूटी. बिल्कुल सही स्टेटमेंट एनसीईआरटी का, जो इंट्रॉन की उपस्थिति है वो पुराने समय की याद दिलाती है. तो ये क्या हो गया, ट्रू है. क्यू बीटा बैक्टीरियोफेज हैज डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल. ये बेटा फॉल्स हो गया, आरएनए होता है इसमें. द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड. गलत हो गया, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके 3' एंड पर टर्मिनेटर नहीं होगा, वो होता है कोडिंग स्ट्रैंड के. तो ये हो गया फॉल्स. 5.8 sRNA एंड snRNA आर ट्रांसक्राइब्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली. बिल्कुल सही है, ये कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और जो snRNA है, tRNA है एंड 5sRNA है वो कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. तो ये क्या हो गया, ट्रू. इसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लो बेटा टी एफ एफ टी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड. लैकोपेरोन में परमिएज एंड ट्रांसस्टाइलेज के लिए कोड करने वाली संरचनात्मक जीन क्रमशः हैं. परमिएज को कौन कोड करती है बेटा, वाई, और ट्रांसस्टाइलेज कौन करेगा, ए. तो यहां पर देखो वाई और ए, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अराइज ड्यू टू म्यूटेशंस. करेक्ट है, द सेंसिटिविटी ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वॉज इंक्रीज बाई पीसीआर. यूज करते हैं पीसीआर को ताकि डीएनए का नंबर इंक्रीज कर लें. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आर नॉट इनहेरिटेबल. गलत हो गया बेटा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेबल होता है. सेटेलाइट डीएनए सीक्वेंस दैट सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कॉल्ड वीएनटीआर. बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड. मानव जीनोम के संदर्भ में निम्न लक्षणों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए. सभी लोगों में 99.9% न्यूक्लियोटाइड क्षार बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं. बिल्कुल सही बात है बेटा. 2% से भी कम जीनोम प्रोटीन को कोड करता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. सभी खोजे जा चुके जीनों के लिए के कार्य ज्ञात हैं. गलत हो गया बेटा, सारी जीन के जो फंक्शन है वो अभी नॉन नहीं है. 24 गुणसूत्र अर्थात 22 एलिंगी और एक्स और वाई गुणसूत्र अनुक्रमित किए गए हैं. बिल्कुल सही बात है बेटा, ह्यूमन की बात करें अपन तो आपको पता है 22. इसके अलावा एक्स और वाई दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस करना पड़ेगा. तो टोटल कितने हो गए, 24. तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं आप, ए बी डी क्या है करेक्ट है. तो देखो ए बी डी क्या है, सही है. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा. मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सीधा मैच करवा देते हैं. बायोइनफॉर्मेटिक्स, ये देखो बेटा इधर, डेवलपमेंट ऑफ द हाई स्पीड कंप्यूटेशनल टेक्निक फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग रिपीटिव डीएनए. सीधा चले जाओ आप किस पे, ये आ जाएगा आपका यूजुअली नॉट कोड फॉर द एनी प्रोटीन. एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होती है बेटा. यूटीआर किस में होते हैं बोलो, ये रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस. बिल्कुल सिंपल बात है, एज इट इज आपको मैच करना है. इसके अकॉर्डिंग देख लो आप, जो ए है उसमें होगा थर्ड, बी के अंदर हो गया आपका फोर्थ. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा. क्लियर. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. यू क्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये तो बेटा करेक्ट मैच है. स्टोन रिच इन लाइसिन एंड एलानिन, ये गलत हो गया बेटा. एलानिन नहीं, क्या होना चाहिए था, आर्जिनिन. एनएचसी बिल्कुल सही है. न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीएडेनोसिन. तो आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट कौन सा है, सेकंड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में पूछ रहा है. इट वॉज परफॉर्म्ड यूजिंग न्यूमोकोकस बैक्टीरिया. बिल्कुल सही है.
डीएनएज इनिबिट ट्रांसफॉर्मेशन. सही है बेटा, डीएनएज ऐड कर दोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि डीएनएज डीएनए को डाइजेस्ट कर देता है. एक्सपेरिमेंट कंक्लूड दैट आरएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल. ये गलत हो गया, इसने कंक्लूड नहीं किया था. ये प्रियोर टू द वर्क ऑफ एवरी मैक्लियोड मैकार्टी द जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी डीएनए. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. इनके वर्क से पहले डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल किसको माना जाता था, यहां देखो डीएनए मेंशन कर दिया बेटा, गलत हो जाएगा. ये किसको माना गया था, प्रोटीन को. यहां पर ये गलत हो गया, डीएनए की जगह आना था प्रोटीन. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट. तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, करेक्ट को सेलेक्ट करना है. तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका, ए करेक्ट है, इसके अलावा बी करेक्ट है. तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट द व्यू दैट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. आपको पता है जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट कौन था, आरएनए. अभी पूछ रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट कौन सा है, जो इसका विरोध करता है, जो इसके सपोर्ट में नहीं है. एसेंशियल लाइफ प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म ट्रांसलेशन स्प्लाइसिंग ऑल अराउंड द आरएनए. बिल्कुल सही है, इसका सपोर्ट करता है. आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट. बिल्कुल सही है, जेनेटिक मटेरियल भी था और उसमें कैटलिस्ट एक्टिविटी भी प्रेजेंट थी. आरएनए इवॉल्व फ्रॉम डीएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन. ये गलत हो गया बेटा, डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ है, ना कि आरएनए डीएनए से. तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. ये भी बिल्कुल सही है, डायरेक्टली कोड करता है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस को. तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन विच इंक्लूड इनकरेक्ट स्टेटमेंट. जो है उनको आपको सेलेक्ट करना है. इन यूकेरियोट डीएनए फाउंड इन न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये तो क्या है, करेक्ट है. बैकबोन इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शुगर एंड फॉस्फेट. बिल्कुल क्या है, करेक्ट है. साइटोसिन थाइमिन आर कॉमन इन बोथ आरएनए एंड डीएनए. गलत हो गया बेटा, थाइमिन कॉमन नहीं होता. लैम्डा फेज हैज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए. नहीं होता बेटा, कैसा होता है, लीनियर होता है उसके अंदर. कैसा है, लीनियर. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. तो आपको सेलेक्ट इनकरेक्ट करने थे, सी एंड डी. देख लो सी एंड डी आंसर हो जाएगा थर्ड. रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन बाई स्टेटिंग विच वन ट्रू एंड फॉल्स. द अनइक्वोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेस. अभी बताया था बेटा ये क्या है, ट्रू है. प्रेजेंस ऑफ 5 मिथाइल यूरेसिल एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल कन्फर स्टेबिलिटी टू द डीएनए. ये कौन है बेटा, 5 मिथाइल यूरेसिल कौन होता है, थाइमिन होता है, जो यूरेसिल की जगह किसमें होता है, डीएनए में. तो ये भी ट्रू है. पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज ए प्रोटीनिशियस एंजाइम. गलत हो गया, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कौन होता है बेटा, राइबोजाइम होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है. तो आंसर देख लो आप, चूज कर लो, ये फॉल्स हो गया. तो देखो TTF, देख लो आप TTF आंसर हो जाएगा आपका थर्ड. ऑल द फॉलोइंग अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन्स. ल्यूसिन के लिए भी मोर देन वन होते हैं, आर्जिनिन के लिए भी मोर देन वन होते हैं, सेरिन के लिए भी. और लेकिन जो ट्रिप्टोफेन है बेटा, उसको कौन कोड करता है, याद करो, UGG. और जो UGG है वो कौन है, नॉन डिजनरेट है. एक्सेप्शन है ना UGG एंड AUG. तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, बताओ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा. सीधा याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो 5 पॉइंट पूछा गया है फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए. सही बात है, सिंथेसिस ऑफ ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट द. तो इसका फॉर्मेशन होगा, इसका भी होगा इसका, लेकिन 5S rRNA जो इसका फॉर्मेशन कौन करता है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड. अब ये पता ही है तुम्हें, PBR 322 के बारे में पूछ रहे हैं. स्ट्रक्चर उसने कंप्लीट नहीं दिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा. पूछा राइट कितने हैं, तो देखें बात करें. पहला स्टेटमेंट ये क्या है, टेट्रासाइन रेजिस्टेंट जीन कंटेन SAL साल 1 एंड PVU सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम साइट. बेटा साल 1 तो होता है लेकिन उसमें PVU सेकंड नहीं होता. तो जो फर्स्ट है वो क्या है, इनकरेक्ट है. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कंटेन PST1 एंड PVU फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज साइट. बिल्कुल सही है, दोनों साइट उसमें प्रेजेंट होती हैं. PBR22 कंटेन टोटल 8 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम साइट. स्ट्रक्चर देखना बेटा, उसमें 8 दिखा रखी है. AMPR जीन एंड TTR जीन एक्ट एज मार्कर जीन्स. ये भी करेक्ट है.
इट कंटेन्स सिंगल ओरिसाइट, एक ही ओरिसाइट होती है मालूम है आपको, ये भी करेक्ट है। तो बताओ इसमें करेक्ट कितने हैं, इसमें 4 करेक्ट हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए फिर थर्ड हो जाएगा। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, बिल्कुल सही है। सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए आरआरएनए आल्सो डिफाइंड जीन, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है। इनहेरिटेंस ऑफ करेक्ट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, वो भी उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यहां पर सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी डीएनए। बेटा ये आपका वॉटसन क्रिक मॉडल से क्वेश्चन ले लिया, सारे डेटा याद होने चाहिए, कोई भी डेटा आ सकता है। डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम, ये तो बिल्कुल सही है, आपको तो इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। बेस पेयर पर टर्न, बेस पेयर नहीं पूछा बेटा, बेस पर टर्न, तो एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, टोटल बेस कितने हो गए 20, तो बिल्कुल सही है 20 बेस, बट बेस पेयर पूछता तो 10 होते हैं। रोटेशन राइट हैंडेड होता है, याद है आपको। लेंथ ऑफ टर्न 34 नैनोमीटर नहीं होती बेटा, कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, तो यहां पर इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आरआरएनए दैट फाउंड इन बोथ एटीएस राइबोसोम एंड 70s राइबोसोम इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 5S आरआरएनए दोनों में कॉमन होता है। इफ वी हैव एक्स टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस के टाइप कितने हैं बेटा, एक्स है। वन कोडोन इज मेड अप ऑफ एन नाइट्रोजन बेसिस, एक कोडोन जो है एन नाइट्रोजन बेस का बना है, नंबर हो गया, तो बताना कितनी पॉसिबिलिटी होंगी। तो वेरी सिंपल बेटा, एक्स की पावर एन, देख लो आपने अपने, अपनी बात करें जेनेटिक कोड की, तो आपने क्या मेंशन किया था वहां 4 की पावर 3, तो टोटल कितने होते हैं 64, तो ये 4 क्या है टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस और 3 क्या है नंबर ऑफ बेस इन वन कोडोन, तो यहां पर क्या होगा फिर एक्स की पावर एन, तो ये देख लो आप सेलेक्ट करो, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन का क्वेश्चन है बेटा। एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज रेगुलेटेड बाई मेटाबोलिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन, सारी कंडीशन इसको अफेक्ट करती है, सही है। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इन अडल्ट ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीनोम। जब डेवलपमेंट होता है तो सेल डिफरेंशिएट होंगे, उनमें डिफरेंट टाइप के जो जीन होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा कोऑर्डिनेटेड मैनर में, तब जाके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल सही है। जीन इन सेल एक्सप्रेस टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। जेकब मोनाड वर फर्स्ट टू इलिसिट द ट्रांसक्रिप्शनली, नोट ट्रांसक्रिप्शन, इसने क्या मेंशन कर दिया बेटा ट्रांसलेशनली, यहाँ क्या होना चाहिए था ट्रांसक्रिप्शनली, क्योंकि जो लैक ऑपेरोन है उसका रेगुलेशन आप ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे करते हो ना कि ट्रांसलेशन लेवल पे, तो यही क्या हो गया ये इनकरेक्ट हो गया, आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन ऑफ लैक ऑपेरोन कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस ऑल द टाइप टाइम, बताओ बेटा ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी जीन है जो हमेशा एक्सप्रेस होती रहती है, याद रखना लैक आई जीन, लैक आई जीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव होती है, आउट ऑफ रेगुलेशन बाउंड्री उसका एक्सप्रेशन होता रहता है। ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरोन रिप्रेसर प्रोटीन इज इनएक्टिवेटेड बाई द इंट्रेक्शन विद, वेरी सिंपल, किसके साथ इंट्रैक्ट हो जाती है जब इनएक्टिवेशन होता है, तो लैक्टोज एलोलैक्टोज भी दे दिया, दोनों ही क्या है इंड्यूसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फोर्थ, 1 and 3 बोथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, देखो बेटा लैक ऑपेरोन आद्य रूप का प्रचालक है, बेटा ये तुम्हारी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये लैक ऑपेरोन इज द प्रोटोटाइप ऑपेरोन इन बैक्टीरिया, प्रोटोटाइप है ये लगभग सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, असेंशियल होता है। लैक ऑपेरोन कोड्स फॉर जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनाबोलिज्म ऑफ लैक्टोज, गलत हो गया बेटा एनाबोलिज्म नहीं कैटाबोलिज्म, तो यहां पर ए तो करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है, सेलेक्ट कर लो, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। इन लैक ऑपेरोन द जेड जीन कोड्स फॉर, ये सब पता है बेटा तुम्हें, जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ द, किसका हाइड्रोलाइसिस करेगी लैक्टोज का, तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका थर्ड हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और बी क्या है लैक्टोज। देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, यहां बी यहां पर क्या दे रखा है एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज इंड्यूसर है लेकिन उसका हाइड्रोलाइसिस
नहीं होता, तभी तो ये पावरफुल इंड्यूसर होता है। बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे, सीक्वेंस पूछा है, पहले इन्फेक्शन उसके बाद में करवाते हैं अपन ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। आंसर सीधा करो इसका, थर्ड बताइए तुम्हें। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसने बोला है कि आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस है mRNA का, और इसने खुद ही बताया यूरेसिल रेजिड्यू इज इंसर्टेड आफ्टर नाइन्थ न्यूक्लियोटाइड। नाइन्थ न्यूक्लियोटाइड का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद आप क्या ऐड कर रहे हो यहां पर बेटा, यहां पर U ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो U, और U ऐड करते देखना यहां पर U आगे G और A, ये ओवरलैपिंग करेगा तो यहां पर स्टॉप कोड होना जाएगा, क्या जाएगा, देखो इधर AUG, GUA, AGU और आगे हो जाएगा UGA, स्टॉप कोड होते ही क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो बताओ अब की बार कितने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, कितने अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में आएंगे, तो गिन लो 1, 2 एंड 3, कितने हो जाएंगे 3 अमीनो एसिड, आंसर हो जाएगा 4th। स्टेटमेंट को कंसीडर करो, फिर आपको बताना है करेक्ट कितने हैं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एडेनिन पेयर विद यूरेसिल, बिल्कुल सही है, ए और यू में पेयरिंग होती है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स द बोथ प्रोसेस, बिल्कुल करेक्ट है। Only segment of DNA and only one strand of DNA copied into RNA, बिल्कुल सही है। Transcription में दो strand में केवल एक ही template का काम करेगी और एक ही क्या होती है, copy होती है। By switching promoter position with ये NCERT का statement है बेटा, promoter की position को अगर आप किससे switch कर दोगे, terminator से, तो coding और template की definition क्या हो जाएगी, reverse हो जाएगी। तो ये भी क्या है, correct है। तो यहाँ तो बेटा सारे correct हो गए, तो आपका answer भी क्या होगा, all statements are the correct। लार्जेस्ट जीन MTR क्वेश्चन है बेटा, याद रखना पड़ेगा, कौन सी होती है, डिस्ट्रोफिन। आपके पास एक इकोलाई सेल है, उसमें आपने म्यूटेशन करवा दिया लैक जेड जीन में, तो जब लैक जेड जीन म्यूटेंट हो गई तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग क्या बोलोगे आप, वो सेल जो है, ये देखो इसने बोल भी दिया, उसको लैक्टोज मीडियम में डाल दिया आपने, तो कभी भी लैकोपेरोन ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगी, तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। इकोलाई सेल स्टॉप डिवाइडिंग, इकोलाई सेल जो है अब डिवाइड नहीं हो पाएंगे। सिंपल है, कोडोन जो श्रृंखला समापन करते हैं, स्टॉप कोडोन कौन से है बेटा, देख लो यूएजी, यूजीए, यूएए, आंसर हो जाएगा 2nd। ट्रू फॉर इकोलाई विद इनएक्टिवेटेड लैक ए जीन, अगर लैक ए जीन क्या है, इनएक्टिवेटेड है, तो लैक ए जीन आपको पता है किसको कोड करती है, ट्रांस एसिटाइलेज को, तो सीधा है दे कैन नॉट सिंथेसाइज द ट्रांस एसिटाइलेज, आंसर सीधा करो इसमें 3rd। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन विच बैक्टीरिया, किस पे किया था ट्रांसफॉर्मेशन, किसने, ग्रिफिथ ने, किस पे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आ गया, इसने बोला कंडीशन दे रखी है, माइस विल नॉट डाइड व्हेन इंजेक्टेड विद, माइस की डेथ नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए देखो ये डालोगे डाई हो जाएगा, क्योंकि एस स्ट्रेन है लाइव, हीट किल्ड एस स्ट्रेन कंबाइंड विद द आर स्ट्रेन, डेथ होने के पूरे चांस है बेटा, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, हीट किल्ड आर स्ट्रेन कंबाइंड विद एस स्ट्रेन हो जाएगी डेथ, हीट किल्ड आर स्ट्रेन कंबाइंड विद आर स्ट्रेन कभी भी डेथ नहीं होगी, क्योंकि एस स्ट्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, दोनों ही क्या है, आर स्ट्रेन है, आंसर क्या हो जाएगा 4th। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फटाफट देखो बेटा, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्ट्रेन इज नॉन देन द सीक्वेंस ऑफ अदर स्ट्रेन कैन बी प्रेडिक्टेड, बिल्कुल करेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बोथ द स्ट्रेन ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वही बात आ गई, सही हो गया। इन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन ए कल्चर प्लेट सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनी एंड अदर प्रोड्यूस रफ कॉलोनी, बिल्कुल करेक्ट है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव म्यूकस कोट व्हाइल एस स्ट्रेन डज नॉट, गलत हो गया, एस में होती है म्यूकस कोट, आर में नहीं होती, तो आंसर ये होगा आपका 4th। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। स्प्लाइसिंग देख लो, सीधा कर दो मैच, स्प्लाइसिंग रिमूवल ऑफ इंट्रोन ओकाजाकी फ्रेगमेंट लैगिंग स्ट्रेन जैकब मोनार्ड
लेकोपेरोन और इंड्यूसर कौन होता है, लैक्टोज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर पे जाओ, ए जो है उसमें फोर करो, इसके अलावा फिर बी जो है उसके अंदर आ जाएगा, सेकंड आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, मैच कर लेना। इज ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोलो फटाक से। वेरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज डिफाइनिंग रीजन इन इकोलाई वेयर रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, करेक्ट है। वेक्टर इन आर डी एन, आर डी एन ए प्रोसीजर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो बिल्कुल क्या करेगा ये रेप्लिकेशन के लिए ओरिसाइट प्रोवाइड करेगा। स्प्लिट जीन आर फाउंड इन यूकैरियोट, इंट्रोन आर फाउंड इन प्रोकैरियोट, ये गलत हो गया, सिंपल सा है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए टेक्स प्लेस इन, बेटा चाहे एमआरएनए हो चाहे डीएनए हो कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, ऑलवेज क्या होता है, 5' to 3' डायरेक्शन, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। Select the correct statement. The transcription translation can be coupled in bacteria. Correct है. Polycystronic gene are found in prokaryote. Correct है. Monocystronic gene found in eukaryote. ये NCERT के statement बेटा, सारे जो authentic statement हैं वो इस paper में जानबूझ के डाले गए हैं कि ये आपके statement दिमाग से निकल ना जाएं, क्योंकि statement वाले question बहुत ज़्यादा आते हैं, तो answer क्या हो जाएगा, fourth. निम्न से कौन सा विकल्प आरएनए के संदर्भ में गलत है, आरएनए में स्व खंडन क्रिया पाई जाती है, बिल्कुल सही, ऑटोक्लेव एक्टिविटी होती है, आरएनए अणु राइबोसर्करा रखते हैं जिसमें मुक्त ओएच समूह पाया जाता है, अभी आया था कॉन्सेप्ट, ये सही है, आरएनए में डीऑक्सीराइबोसर्करा होती है, कभी नहीं हो सकती बेटा, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। लैकोपेरोन के दिए गए चित्र में ए को पहचानिए, सिंपल है बेटा, ये ए कौन है, ये लैक्टोज है, ये कौन है, रिप्रेसर प्रोटीन जिसको निष्क्रिय कर देता है, तो आंसर सीधा करो इसमें, लैक्टोज। करेक्टली मैच देख लो बेटा, जी यू जी ट्रिप्टोफेन गलत हो गया, ए जी ए आर्जिनिन सही है, ए सी सी ग्लूटामिन, ग्लूटामिन नहीं होगा, ये कौन होगा, ए सी सी थ्रियोनिन, तो आप ये तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा बेटा, रटने के हैं ये, तो इसमें करेक्ट मैच केवल कौन सा है, सेकंड वाला है। कोडोन सेम इंफॉर्मेशन एज यू जी सी, ये थोड़ा कोडोन के क्वेश्चन डालें ताकि आप इन पे ध्यान दें, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कोडोन है जो यूजीसी जिसको कोड करता है मिनोसिड को, उसी को वो कोड करे, देखो बेटा रटने का भी नहीं है, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता है वो, यू जी ए तो स्टॉप कोडोन है, ये भी क्या है, स्टॉप कोडोन है, बचे दो, मेरे ख्याल से इतना सबको याद रहता है, यू जी जी इसको कोड करता है, ये कोड करता है आपके ट्रिप्टोफेन को, तो यहां देखो यू जी सी यही बचेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्रिप्टोफेन वाला जो यूजीजी है वो क्या होता है, नॉन डिजेनरेट होता है, तो कई बार थोड़ा ट्रिक लगा के भी आप आंसर कर सकते हो, अगर आपको एग्जैक्टली याद ना हो तो, आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट। प्रतिकृति के दौरान रज्जु जो छोटे टुकड़ों के रूप में संश्लेषित होती है, बाद में जुड़ जाती है, कहलाती है, उस रज्जु को क्या बोलते हैं बेटा, लैगिंग स्ट्रेंड, आंसर हो जाएगा थर्ड। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करो, प्रोइंसुलिन हैज ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही है ये तो, प्रोइंसुलिन नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट फुली मैच्योर फंक्शन, बिल्कुल सही है, सी पेप्टाइड को हटाना पड़ता है, सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये भी सही है, इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन आर लिंक टूगेदर बाई द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, नहीं होगा बेटा, डाई सल्फाइड बॉन्ड, आंसर हो जाएगा फोर्थ। देखो इंसुलिन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने, अब इससे बाहर क्वेश्चन तो क्या आएगा, लेकिन आपको हर ऑप्शन को समझना होगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसने पूछा है जो अनडाइजेस्टेड डीएनए है वो कौन सी लेन में है, तो आपको साफ दिख रहा है यहां पर एक ही बैंड है, इसका मतलब पक्का डीएनए का डाइजेशन नहीं हुआ, तो लेन फर्स्ट, आंसर सीधा करो फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट विद इन टीटीआर जीन, बेटा इनको याद रखना, ये देखो मैं रिपीट भी कर रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें कौन सी साइट होती है टीटीआर जीन में, देखो बाम एच वन और साल्वन, साल्वन नहीं दे रखा, बाम एच वन दे रखा है, आंसर करो फर्स्ट। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉर्मली यूकाई कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन एंड टेट्रा साइक्लिन, तो इकोलाई में नॉर्मली इनके लिए रेजिस्टेंस नहीं होता है, बात समझ में आ रही है, लेकिन इसने क्या बोला है, कैरी रेजिस्टेंस, तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। फिर भी देखो अगले स्टेटमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोसीजर थ्रू विच पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बैक्टीरियम, बिल्कुल सही है,
एनी कोडिंग जीन प्रोटीन कोडिंग इज एक्सप्रेस इन द होस्ट हेटरोलोगस कोल्ड रिकॉम्बिनेंट, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग आंसर ऑफ डीएनए प्योरीफाइड क्या यूज करते हैं अपन, चिल्ड एथेनॉल, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। मैचिंग वाला आ गया, सिंपल होते मैचिंग वाले। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग व्हीकल बोले तो वेक्टर, मैक्रो मोलिकुलर सेपरेशन किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और डीएनए लाइगेज क्या है, सिलिंग एंजाइम, कर लो मैच। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बेसिलस थुरिंजियंसिस, वेरी सिंपल, इट एक्ट इन एल्कलाइन मीडियम एंड बाइंड टू द एपिथेलियल सेल ऑफ द मिड गट। ये आपको देखना है बेटा, मिड गट कहां पे है, ये रहा मिड गट, आंसर सीधा इसका फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रेस्पेक्ट टू द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, डीएनए खंड विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आधात्री में एनोड की तरफ गति करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सामान्य उपयोग ली जाने वाली आधात्री कौन होती है, एग्रोजेल होती है, आकार के आधार पर अलग करते हैं, ये भी सही है। डीएनए खंड छोटे डीएनए खंड तीव्रता से गति करते हैं, गलत हो गया बेटा, स्मॉल डीएनए फास्टली मूवमेंट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। इल्यूजन मीन्स डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया, इल्यूजन में क्या करते हैं अपन, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं जेल के टुकड़े को काटकर, कटिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए बैंड फ्रॉम द एग्रोज जेल। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द, ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, लेकिन यहां पर देखो बेटा ध्यान से पढ़ना होता है स्टेटमेंट को, हार्मफुल टू द ह्यूमन, यूजफुल होना चाहिए, तो इनकरेक्ट बेटा यही हो गया, कर लिया होगा आपने, फर्स्ट ही हो जाएगा इसका आंसर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा यूज नहीं करते, प्लास्टिड का कोई रोल नहीं है बेटा, प्लास्टिड ये बाकी यूज करेंगे, प्लास्टिड जो है क्लोरोप्लास्ट में, इनका कोई रोल नहीं होगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा इसको क्लियर कर देता हूं मैं, आपके पास 2000 बेस पेयर का एक डीएनए है, प्लाज्मिड है, देखो ये रहा बेटा, डबल स्टैंडर्ड होता है ना, इसमें कितने बेस पेयर हैं, 2000, देखो 2 किलो बेस पेयर का मतलब हो गया 2000 बेस पेयर। फिर ये कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन साइट कहां कहां है, एक तो है 500 बेस पेयर पे, एक है 800 पे, एक है 1300 बेस पेयर पे, एक है 2000 बेस पेयर पे, जहां साइट है वहां वहां आरी क्या करेगा बेटा, कट करेगा, और कट करते डीएनए के फ्रेगमेंट मिलेंगे, तो बेटा बताओ ये फ्रेगमेंट कितने का होगा, 500 और ये 800, 300 का, ये देखो 800 था, ये अगला 1300 है, तो कितने का होगा ये, अब देख लो डिफरेंस जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डीएनए फ्रेगमेंट आप कर दोगे, ये 500 का होगा, ये वाला देख लो 1300 और 2000 के बीच में बोले तो 700 बेस पेयर का, और ये रिमेनिंग बचा रह गया ना, ये कितना होगा 2000, ये कितना है 500, ये 500 का, देख लो 500 के दो हो गए, ये अलग अलग हो गए, तो तीन टाइप के डीएनए फ्रेगमेंट हो गए, तो बताओ कितने बैंड मिलेंगे जब आप उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करवाओगे, तो कितने, 3 बैंड, आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट कंसिडर करते हैं, पीबीआर 322 हैज 2 एंटी रेजिस्टेंट जीन, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट सही है बेटा, रीड किया आपने, 2 सेलेक्टेबल मार्कर उसमें किसी एक का क्या करवाएंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। रोप जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन दोज इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम, गलत हो गया ये, प्लाज्मिड होना चाहिए था, ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, इन द नेम ऑफ पीबीआर बी रिफर टू द बोलीवर, करेक्ट हो गया, आप देख लो कितने करेक्ट हैं, 1, 2, 3 करेक्ट है, आंसर करो सीधा सेकेंड। मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट, देख लो अच्छा क्वेश्चन है, आ भी चुका है नीट में आने के पूरे चांस हैं, मैच्योर में क्या होंगे, 2 पेप्टाइड चेन होती हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, आंसर हो जाएगा थर्ड। ड्यूरिंग आर एन इंटरफेरेंस इनिशिएशन ऑफ टारगेट इनिबिशन ऑफ टारगेट एमआरएनए अकर्ड बाय डबल स्टैंडर्ड आरएनए, देखो इधर कौन है, ये रहा डीएस आरएनए हो जाएगा सेकेंड आंसर। स्टैंडिंग डाई MTR क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार आता है एग्जाम में, ETBR, गलत मिलान को चुनिए, PCR इनविट्रो एम्पलीफिकेशन सही है, क्लोनिंग संवाहक डीएनए वाहक बिल्कुल सही है, सदन ब्लॉटिंग में डीएनए की पहचान की जाती है बेटा, आरएनए की नहीं की जाती, आंसर हो जाएगा थर्ड। प्लाज्मिड प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल इज
सबको याद है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत पेटेंट क्वेश्चन है नीट का। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल, आंसर होगा सेकंड। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करो। इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज फॉर स्टेनिंग द डीएनए इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, करेक्ट है। इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं, सबको पता है बेटा, सही है। सेपरेशन कटआउट अभी बताया था बेटा, इल्यूजन, बिल्कुल करेक्ट है। थर्मो स्टेबल होता है बेटा, ये थर्मो अनस्टेबल नहीं होता, आंसर क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ। सेगमेंट एक्ट विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, सबको मालूम बेटा, इसको क्या बोलेंगे, प्रोब कहते हैं। ये देख लो क्या पूछा, अधिकतम साइज के डीएनए को कौन क्लोन करवा सकता है लार्जर अमाउंट के, तो आंसर क्या होगा, सीधा याद रखना है, यैक, इस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल नीट ओरिएंटेड है, इनके बाहर कुछ नहीं बचेगा। एक बार वापस से एनसीईआरटी को रीड कर लेना। अबाउट पीसीआर करेक्ट, डिनेचुरेशन गलत हो गया बेटा, एनिलिंग किस पे होगा, 40 डिग्री सेल्सियस पे, ये सही है। एक्सटेंशन 94, ये गलत हो गया, आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा। इसमें करेक्ट मैचिंग पूछा है ना, करेक्ट, तो करेक्ट मैचिंग तो कौन सी है, सेकंड वाली है, बाकी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्लियर, आंसर इज सेकंड। कैरीमुलिस मालूम है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नॉट ट्रू फॉर रिकॉग्निशन सीक्वेंस, एनसीईआरटी का अच्छे स्टेटमेंट है। मॉडिफिकेशन बाय मिथाइलेशन ऑफ बेस विद इन देम प्रिवेंट रेस्ट्रिक्शन ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए, बिल्कुल करेक्ट है। उसमें अपन मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं ताकि उसका डाइजेशन ना हो। यूजुअली सिमेट्रिकल सीक्वेंस 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल सही, लगभग 4 से 8 के होते हैं सिमेट्रिक। दे सिग्नल द अटैचमेंट ऑफ पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज, ये बिल्कुल गलत हो गया बेटा, ये आरएनए पॉलीमरेज को अटैचमेंट के साइड नहीं देंगे, ये किसको देंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस को। तो सिंपल है, इसने पूछा क्या है, नॉट ट्रू, तो थर्ड ही होगा। फॉरेन जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल इज डन बाई, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, जीन गन मेथड। किसे छोड़कर सभी जीवाणु में जीन क्लोनिंग के लिए भाग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी करेंगे, इसका भी यूज करते हैं, इसका भी, बैक्यूलो वायरस जो है उसका यूज नहीं करते बेटा। जैव प्रौद्योगिकी में शामिल है, सारे शामिल है, ऊर्जा उत्पादन, खाद्य संस्करण, व्यर्थ पानी का उपचार, ऑल ऑफ दीज। जीन क्लोनिंग के दौरान प्रतिजैव प्रतिरोध जीन का निवेशन इसके लिए महत्वपूर्ण रूप से किसके लिए उपयोगी होता है, ताकि आप अपनी वांछित पोषक कोशिका का क्या कर सके, चुनाव कर सके, पुनर्योगजों का अपुनर्योगजों से चयन, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस आर प्रिवेंटेड बाई, बताइए बेटा, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का उसमें उपयोग किया जाता है। सोर्स ऑफ बीटी टॉक्सिन इज वेरी सिंपल, बेसिलस थुरिन जीएनसिस, ओके। तो ये हो गया आपका पेपर का सॉल्यूशन, पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का था बेटा, आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, 100% स्कोर होना चाहिए इस पेपर में। जहां आपने सिली मिस्टेक की उनको वापस से एक बार एनसीईआरटी से देख लेना, ओके, थैंक यू।